हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मरीन ट्रेनर पे। और आज की नई वीडियो है, इसमें हम पीएसटी जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक रहेगा आज हमारा पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक, इस वीडियो के पूरा होने तक आपको पायरोटेक्निक्स के बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी और ये जानकारी आगे आपको एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होने वाली है। और आपकी निजी लाइफ में जब भी आप सी में होंगे तो आपको उस टाइम पे ये नॉलेज आपको काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पायरोटेक्निक्स के बारे में। बेसिकली पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है आतिशबाजी। अगर मैं हिंदी में आसान भाषा में बात करूं तो पायरोटेक्निक्स का मतलब है फायरवर्क, आतिशबाजी। जैसे अपन लोग दिवाली पे पटाखे चलाते हैं, रॉकेट्स चलाते हैं, फुलझड़ियां चलाते हैं। आजकल का ट्रेंड बन गया है, शादी ब्याह के सीजन में भी आतिशबाजी का बहुत हो रहा है यूज। तो उसी चीज को अपन कहते हैं पायरोटेक्निक्स। ये आसान भाषा में मैंने आपसे बात की। अब पायरोटेक्निक्स को अगर नेवी से रिलेटेड बात करूं, मैं मर्चेंट नेवी हो या इंडियन नेवी हो, आपको डिस्ट्रेस के टाइम पे ये चीजें काफी हेल्प करती हैं। जो रेस्क्यू टीम आपको बचाने के लिए आ रही है उन तक आपका मैसेज ये कन्वे करती हैं। तो अब मैं जैसा कि शिपिंग के लिए बात कर रहा हूं, तो यहां पे पायरोटेक्निक्स का मतलब है ऐसी चीजें जो हमारा सिग्नल रेस्क्यू टीम तक डिलीवर कराती हैं। डे लाइट के लिए अलग सिग्नल होता है और नाइट के लिए अलग पायरोटेक्निक्स का यूज होता है। तो पायरोटेक्निक्स में तीन चीजें मेन है। सबसे पहले हैंड फ्लेयर होता है, जिसको मैं एच से डिनोट करूंगा यहां पे। दूसरा होगा रॉकेट फ्लेयर। यहां पे हम इसको आर से डिनोट करेंगे। एंड द थर्ड वन इज स्मोक फ्लेयर। इसको मैं यहां पे एस से डिनोट करूंगा। तो बेसिकली हैंड फ्लेयर, रॉकेट पैराशूट फ्लेयर एंड स्मोक फ्लेयर, इन तीनों का जो फर्स्ट अल्फाबेट है एच आर एस, बेसिकली आवर्स, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म के तौर पे समझने के लिए ले लिया है। अब सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये शिप पे कहां होते हैं, लोकेशन ऑफ पायरोटेक्निक्स। तो बेसिकली ये आपके शिप पे, आपकी लाइफ बोट के अंदर एंड आपके लाइफ राफ्ट के अंदर रखे होते हैं, वेल इन एडवांस कंडीशन में, जिससे कि डिस्ट्रेस के टाइम पे जब भी आपको अबेंडन शिप करना पड़े तो आपको कोई तकलीफ ना हो, आप इमीडिएटली अपने सर्वाइवल क्राफ्ट का इस्तेमाल करें और अपनी जान बचा के शिप अबेंडन कर जाए। और जब भी आपको लगता है कि कोई रेस्क्यू करने के लिए कोई शिप या कोई हेलीकॉप्टर या कोई आपका नजदीकी एयरक्राफ्ट या कोई बाजू वाला शिप आपको आ रहा है मदद करने के लिए, तो इनका इस्तेमाल करके आप अपना सिग्नल वहां तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इनकी अब बात करना चाहूंगा कि ये कितने नंबर्स कितने होते हैं इनके। तो हैंड फ्लेयर होते हैं हमारे 6, रॉकेट पैराशूट फ्लेयर होते हैं 4, एंड स्मोक फ्लेयर होते हैं 2। तो बेसिकली ये घटते हुए क्रम में है। एच आर एस आवर्स, अगर आपको इसको याद रखने का आसान तरीका है तो एच 6 आर 4 एस 2। आप नीचे से ऊपर भी याद कर सकते हैं कि 2 4 6 या 6 4 2, मेरे लिए आसान रखना है आवर्स एच आर एस 6 4 2, घटते हुए क्रम में मैं इनको कहना चाहूंगा। तो ये इसके नंबर्स की बात हो गई, लोकेशन की बात हो गई कि ये कहां लोकेट होते हैं, कहां पे इनकी पोजीशन होती है, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है। जितने ये लाइफ बोट में होते हैं उतने ही आपके लाइफ राफ्ट में होते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड फ्लेयर के बारे में। हैंड फ्लेयर के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हैंड फ्लेयर है, इट शुड बी कंटेन्ड इन अ वाटर रेसिस्टेंट केसिंग, मतलब एक ऐसे डब्बे में पैक होना चाहिए, एक वाटर प्रूफ कंटेनर के अंदर होना चाहिए। ये सारा जितना भी सामान है आपका, हैंड फ्लेयर है, रॉकेट फ्लेयर है, स्मोक फ्लेयर है, ये सारे वाटर टाइट होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाई मिस्टेक ये अगर सीलन आ जाए इन पे या पानी से ये टच कर जाए या मॉइस्चर की वजह से या रफ वेदर होने की वजह से ये काम करना बंद नहीं करने चाहिए। मतलब इन एनी कंडीशन, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी परिस्थिति में ये आपको काम करेंगे। तो ये वाटर रेसिस्टेंट केसिंग में होने चाहिए, यानी जो भी इनका बॉडी होगी, आउटर बॉडी इनका जो केस होगा, दैट शुड बी वाटर रेसिस्टेंट। सेकंड, इनकी बॉडी के ऊपर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन प्रिंट होते हैं विद फिगर एंड विद ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, विद मैन्युफैक्चरर्स ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। यानी कि इनकी जो बॉडी है उस पे
इनकी सारी डिटेल प्रिंट की गई होती है कि हाउ टू यूज इट, हाउ टू होल्ड इट, हाउ यू विल ओपन द कवर, हाउ विल यू पुल द रिंग, सारी की सारी जितनी भी इसको ऑपरेट करने के इंस्ट्रक्शंस हैं इसके केसिंग के ऊपर लिखे होते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सब कुछ याद रखना है। अगर गलती से आप भूल जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इजीली पिक कीजिए, इजीली सामान उठाइए, चाहे वो रॉकेट फ्लेयर हो, हैंड फ्लेयर हो, स्मोक फ्लेयर हो, एंड जस्ट रीड इट। उसके ऊपर जो भी जरूरी जानकारी लिखी हुई है बेसिकली आसान, आप उसको पढ़ के और अपना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, इट हैव अ सेल्फ कंटेन्ड मीन्स ऑफ इग्निशन, मतलब इनको आपको स्टार्ट करने के लिए, जलाने के लिए एक्स्ट्रा माचिस या लाइटर की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ इग्निशन होता है इनके अंदर। यानी कि चाहे मैं हैंड फ्लेयर की बात करूं, चाहे रॉकेट फ्लेयर की बात करूं, चाहे स्मोक फ्लेयर की बात करूं, इनमें से जिसको भी आपको इस्तेमाल करना है, जस्ट इसका कैप ओपन कीजिए और इसमें एक रिंग होती है पुल करने के लिए, उस रिंग को पकड़ के खींच दीजिए और ऑटो इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उसको आप एक्स्ट्रा किसी भी हीट देने की, आपको उसको स्पार्क देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई माचिस, कोई लाइटर, कोई किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा हीट की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। और इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो इनको यूज करने वाला पर्सन है उसको किसी भी प्रकार से डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। मान के चलिए मैं हैंड फ्लेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, हैंड फ्लेयर एक ऑरेंज कलर का एक छोटा सा, ये जितना बड़ा मेरा मार्कर है इससे थोड़ी बड़ी केसिंग का बना हुआ होता है, अगर उसमें होल्डिंग के लिए ग्रिप इस तरीके से दी गई और मैंने उसको पकड़ के ऐसे एक्टिवेट किया है तो उसको किसी भी प्रकार से डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए मेरे को। मैं अगर उसको इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे हाथ में या मेरी बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान उससे नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों को जब मैन्युफैक्चरर किया जाता है, मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे बहुत ज्यादा ख्याल दिया जाता है कि जो व्यक्ति इसको डिस्ट्रेस के टाइम पे इस्तेमाल कर रहा है उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब हैंड फ्लेयर की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करता हूं, क्या स्पेसिफिकेशन है इसका, कि हैंड फ्लेयर जब आप ऑपरेट करोगे, जब ये यूज होगा तो ये ब्राइट रेड कलर का जलेगा। यानी जैसे ही आपने हैंड फ्लेयर को एक्टिवेट किया, इसके अंदर से ब्राइट रेड कलर, मतलब तेज लाल कलर की रोशनी निकलेगी, तो इसका मतलब हैंड फ्लेयर मेरा नाइट सिग्नल है, क्योंकि रात के उजाले में ही मैं ब्राइट रेड कलर को देख सकता हूं, सूरज की धूप में, चमकती हुई धूप में इसको देखना मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो बेसिकली हैंड फ्लेयर एंड दिस रॉकेट पैराशूट फ्लेयर, ये दोनों मेरे नाइट सिग्नल है, ये दोनों रात में काम आएंगे। एंड स्मोक फ्लेयर, जाहिर सी बात है दिन के उजाले में धुआं ज्यादा आसानी से दिखता है, तो ये डे सिग्नल है। यानी अब रात हो या दिन, किसी भी परिस्थिति में मैं अपना सिग्नल सामने वाली रेस्क्यू टीम को भेज सकता हूं। तो हैंड फ्लेयर के बारे में हम बात कर रहे थे, ब्राइट रेड कलर होगा। दूसरा, ये जो भी जलेगा यूनिफॉर्मली जलेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत में बहुत तेज रेड कलर आया, बीच में फिर ये डिम होने लग गया और लाइट लास्ट आते आते ये बिल्कुल बंद हो गया, ऐसा नहीं होगा। जितना भी इसका टाइम ड्यूरेशन है कंटिन्यूअसली एक जैसा चलेगा, कोई चेंज इसके अंदर नहीं आएगा। दूसरा, जलने की इंटेंसिटी कितनी होगी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हैंड फ्लेयर की अगर मैं बात करूं तो हैंड फ्लेयर की ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होगी आपकी 15,000 कैंडेला, 15,000 सीडी, मतलब 15,000 कैंडेला का प्रकाश ये करेगा रात में, तो इसका मतलब 15,000 कैंडेला का प्रकाश बहुत होता है। और सी में जहां बिल्कुल भी लाइट नहीं है, घना अंधेरा है, डेंस डार्कनेस है, वहां पे ये 15,000 कैंडेला बहुत होता है और उसको आसानी से देखा जा सकता है। तो आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से रेस्क्यू टीम को अपने नजदीक बुला सकते हैं। अब इसका बर्निंग टाइम कितना होता है हैंड फ्लेयर का, इट इज 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट इसका बर्निंग टाइम है हैंड फ्लेयर का। यानी कंटिन्यूअस 1 मिनट तक ब्राइट रेड कलर इसके अंदर से निकलता रहेगा, 1 मिनट की पूरी ड्यूरेशन में ये कहीं भी डिम नहीं होगा, परफेक्टली काम करेगा। दूसरा, ये 10 सेकंड तक अगर 100 mm पानी के नीचे भी डूब जाए, फॉर 10 सेकंड, कितने पानी में, 100 मिलीमीटर, अगर 100 मिलीमीटर पानी में 10 सेकंड के लिए भी गलती से गिर जाए, डूब जाए, सबमर्ज हो जाए, तो भी ये काम करेगा, यानी तो भी जलता रहेगा। आपने इसको ऐसे करके यूज किया, बाय मिस्टेक छूट गया, हवा की वजह से या डिसबैलेंस होने की वजह से पानी में गिर गया, 10 सेकंड तक 100 mm पानी के नीचे भी चला गया, तो भी ये काम करेगा।
यानी कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, इट विल हेल्प यू, हर प्रकार से हर कंडीशन में ये आपको सपोर्ट करने वाला है। तो हैंड फ्लेयर के बारे में ये जानकारी थी, और ये जानकारी आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपके एग्जिट एग्जाम को पास करने में आपको काफी हेल्पफुल साबित होगी। अब सेकंड नंबर अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे रॉकेट पैराशूट फ्लेयर की। तो रॉकेट पैराशूट फ्लेयर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा चार होते हैं, यानी नंबर ऑफ रॉकेट पैराशूट कितने होंगे, चार। हैंड फ्लेयर होते हैं छह, रॉकेट पैराशूट फ्लेयर होंगे आपके चार। इसके लिए भी वही नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं कि वाटर टाइट कंटेनर का बना होना चाहिए, मतलब इसकी जो पैकिंग होनी चाहिए कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। दूसरा, इसकी बॉडी पे भी इसके सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस क्लियर क्लियर लिखे होंगे विद द डायग्राम, जिससे कि अगर आप भूल जाते हो कि हाउ टू यूज इट, तो आप इसको इसकी डिटेल्स को पढ़ के आप इसका इस्तेमाल कर सकें। तीसरा, ये भी इंटरनल इग्निशन होगा इसके अंदर, यानी इसको भी चालू करने के लिए आपको किसी प्रकार के लाइटर या माचिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, इसका भी डिजाइन ऐसा होगा कि आपको इस्तेमाल करते टाइम पे कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करते वक्त ये आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं देगा। दूसरा, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अगर आप हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज ले पाएंगे। जो मैन्युफैक्चरर ने इसके लिए डिजाइन दिया है उस डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसका ज्यादा फायदा ले पाएंगे, जिससे कि इसकी मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल लेंथ अपने को मिलेगी। वर्टिकल अगर हम इसको जिस प्रकार इसका इंडिकेशन दिया गया है उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको और बेहतरीन तरीके से इसको प्रयोग कर पाएंगे, जिससे कि हमारा जो मैसेज है ज्यादा दूर तक दिखाई देगा और हमारे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा, इसके बारे में अगर हम मैं रॉकेट पैराशूट के बारे में आपसे बात करूं तो रॉकेट पैराशूट को अपन को वर्टिकली फायर करना होता है। वर्टिकली का मतलब अपवर्ड, यानी टू द स्काई, सीधा आसमान की तरफ आप इसको फायर कीजिए। इसको हाथ में पकड़िए, इसका कैप ओपन कीजिए एंड जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड, लाइक आपको जैसे कि वो झंडा लेके अपन ऊपर रखते हैं ना हाथ, वैसे अपने को हाथ ऊपर करना है और वर्टिकली इसको फायर करना है। अगर आप इसे वर्टिकली फायर करते हो तो 300 मीटर की डिस्टेंस तक यह जाएगा, यानी कि इसका जो एल्टीट्यूड होगा इट विल बी नॉट लेस देन, एक वर्ड के साथ इस्तेमाल करूं मैं तो नॉट लेस देन, यानी कि 300 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 300 मीटर ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। उससे ऊपर जा सकता है 300 मीटर से, लेकिन कम नहीं जाएगा। और जब ये अपने टॉप पे पहुंच जाएगा, यानी कि अराउंड 300 मीटर के आसपास जब ये होगा, तब इसका रॉकेट जो है वो बाहर इजेक्ट होगा। आसान भाषा में ये है कि एक रॉकेट पैराशूट फ्लेयर है, यानी जब भी इस रॉकेट को आप इसका कैप ओपन करने के बाद एक्टिवेट करोगे, ये सीधा वर्टिकली ऊपर जाएगा। अराउंड 300 मीटर के आसपास जाके इसका जो रॉकेट है, रॉकेट से सॉरी, जो इसका पैराशूट है वो निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बर्न विद अ ब्राइट रेड कलर, ये भी रेड कलर में चलेगा, वो भी ब्राइट में, जैसा कि अपना हैंड फ्लेयर जल रहा था सेम उसी प्रकार के ब्राइट रेड कलर में आपका रॉकेट पैराशूट फ्लेयर चलेगा। दूसरा, ये भी यूनिफॉर्मली चलेगा, मतलब इस ये भी जब जो उजाला करेगा तो इसका भी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसके जो प्रकाश की तीव्रता है वो कम ज्यादा नहीं होगी, इट विल बी कंटिन्यूअसली सेम, लेकिन इसका जो उजाला है वो हैंड फ्लेयर का डबल हो जाता है। हमारा हैंड फ्लेयर कितना कर रहा था, 15,000 कैंडेला, ये कितना करेगा, 30,000 कैंडेला, 30,000 कैंडेला, 30,000 सीडी, 30,000 कैंडेला, यानी कि जो हमारा हैंड फ्लेयर कर रहा था उसका डबल लाइट देगा। अगर 300 मीटर की ऊंचाई पे जहां समुद्र में चारों तरफ घना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वहां 30,000 कैंडेला पे एक रॉकेट पैराशूट फ्लेयर ऊपर जाता है, इट्स मीन इसको देखना बहुत आसान होगा। जैसा कि अपन दिवाली के टाइम पे रॉकेट छोड़ते हैं और वो रॉकेट सीधा आसमान में चला जाता है तो दूर तक अपने को जाते हुए दिखाई देता है, उसी प्रकार से ये जब जाएगा तो काफी दूर तक हमको दिखाई देगा और उसके बाद में इससे इसका पैराशूट निकलेगा। दूसरा, 40 सेकंड से कम नहीं चलेगा ये, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है इट इज नॉट लेस देन 40 सेकंड, कम से कम 40 सेकंड, 40 सेकंड, सेम वर्ड, नॉट लेस देन, 40 सेकंड से कम नहीं चलेगा, ठीक है।
दूसरा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये अपने मैक्सिमम ऊंचाई पे होगा तो इसमें से पैराशूट निकलेगा। अब पैराशूट निकलेगा तो जाहिर सी बात है जब ये नीचे गिरेगा तो पैराशूट इसको आने से धीरे धीरे इसकी स्पीड कम करेगा, डायरेक्ट इसको ग्रेविटी के साथ गिरने नहीं देगा। वो पैराशूट क्या करेगा, इसकी जो गिरने की स्पीड है, रेट ऑफ डाउनफॉल है, उसको रिड्यूस कर देगा। तो वो कितना रिड्यूस करेगा, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ये डिसेंड होगा, जब ये गिरना शुरू करेगा तो इसकी गिरने की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्लो होती जाएगी। 300 मीटर गया, 300 मीटर से 300 मीटर नीचे भी गिरना है इसको, लेकिन उस 300 मीटर में 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रिड्यूस हो गया। तो यानी कि ज्यादा टाइम तक ये नीचे आते हुए हमें दिखाई देगा। इट्स मीन 40 सेकंड तक तो रहेगा ऊपर, उसके बाद जब ये डिसेंड होना गिरना शुरू करेगा उस टाइम पे ये 5 मीटर पर सेकंड की रेट इसकी स्पीड को रिड्यूस करेगी और उस स्पीड से हम इसको ज्यादा लंबे टाइम तक स्काई में देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी रॉकेट फ्लेयर के बारे में, जो नंबर होते हैं जिसके 4। नाउ लास्ट में हम बात करते हैं स्मोक फ्लेयर में। स्मोक फ्लेयर अपने पास मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ स्मोक फ्लेयर्स विल बी 2। तो स्मोक फ्लेयर एक डे सिग्नल है, जैसा कि ये जो हमने हैंड फ्लेयर और रॉकेट पैराशूट फ्लेयर इन दोनों के बारे में जो बात की, ये दोनों नाइट सिग्नल है, बट जो हमारा स्मोक फ्लेयर है इट इज अ डे सिग्नल। अच्छा, ये जो स्मोक फ्लेयर है ये बॉयंट होता है। बॉयंट का मतलब होता है तैरने वाला, क्योंकि इन दोनों को हमें हाथ में होल्ड करना था इस तरीके से, बट जो स्मोक फ्लेयर है उसको अपन पानी में फेंक देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, इस्तेमाल करने से पहले फेंकते हैं, मतलब उसको यूज करने के लिए फेंकते हैं, ठीक है। तो स्मोक फ्लेयर जो है हमारा, ये नंबर ऑफ स्मोक फ्लेयर होंगे 2, डे सिग्नल होगा, दिन के उजाले में काम करेगा। सेम इसके लिए भी वही नियम है कि वाटर रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए, पानी से डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए, पानी से इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर की वजह से काम करना बंद नहीं करना चाहिए। सेल्फ इग्नाइटेड है, जैसे ही इसका ढक्कन खोल के इसका लिड खींचेंगे, इसका रिंग खींचेंगे, ऑटोमेटिक स्मोक देना शुरू कर देगा। एक्सप्लोजिव नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, इसमें किसी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं होगा, कोई धमाका नहीं होगा, सिर्फ स्मोक आएगा कंटिन्यूअसली। यानी ऐसा नहीं कि थोड़ी देर धुआं आया बीच में पटाखों की तरह जलना शुरू हो गया, नथिंग, कंप्लीटली स्मोक आएगा, रेगुलर स्मोक आएगा। डेंस स्मोक होगा, डेंस का मतलब होता है घना स्मोक, तो मतलब घना धुआं निकलेगा, बहुत ज्यादा ऑरेंज कलर का स्मोक निकलेगा, एंड द कलर ऑफ स्मोक विल बी ऑरेंज, कलर ऑफ स्मोक विल बी ऑरेंज, ऑरेंज कलर का स्मोक इसीलिए, बिकॉज ऑरेंज की जो विजिबल रेंज है, ऑरेंज कलर को देखने की जो क्षमता है वो थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑरेंज कलर आसानी से दिखाई दे जाता है, जो रेस्क्यू टीम आपको ढूंढने आ रही है वो आपको बहुत आसानी से देख सकती है। टाइमिंग जो होगी ऑरेंज की धुआं आने की, दैट विल बी 3 मिनट तक कंटिन्यूअस घना धुआं आता रहेगा, जिससे कि आपकी लोकेशंस को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। धुएं के साथ किसी प्रकार का कोई आग नहीं निकलेगी, कोई फ्लेम नहीं होगा, कोई विस्फोट नहीं होगा, कोई पटाखा नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ धुआं निकलेगा, ठीक है। दूसरा, इसको इस्तेमाल करने के लिए ढक्कन खोल के इसका लिड खींच के जैसे ही एक्टिवेट होता है पानी में फेंक दीजिए और ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा और धुआं छोड़ता रहेगा। दूसरा, पानी में अगर ये गलती से डूब भी जाता है और अगर वही सेम 10 सेकंड तक पानी के अंदर डूबा रहता है, 100 mm पानी के अंदर डूबा भी रहता है तो भी ये स्मोक देता रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई काम करना बंद नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू वर्क। दूसरा, ये लहरों के साथ बहके नहीं जाएगा, यानी अगर लहरें थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो रही है तो इसके डिजाइन को थोड़ा इस तरीके से बनाया जाता है कि ये आपकी उसी जगह पे बना रहे, जिससे कि आपकी जो पोजीशन की एक्यूरेसी है वो ज्यादा बनी रहे। दूसरा, इसमें किसी प्रकार का, जैसा कि मैंने बताया, कोई विस्फोट नहीं होगा, उस धुएं के साथ साथ ये आपकी जो उस जगह की लोकेशन है उसके बारे में भी आपका एग्जैक्ट पता पे बताने की कोशिश करेगा। और आपको इसको हवा के हिसाब से इस्तेमाल करना, आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके सामने से हवा आ रही है और आपने इसको अपने ही सामने फेंका तो इसका सारा का सारा धुआं आपकी लाइफ बोट या आपके लाइफ राफ्ट पे आ जाएगा। तो ऑलवेज इसको आप अपनी हवा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूज करें, जिस तरफ से हवा आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन है, जिधर को हवा बहके जा रही है उधर डालने में इसको फायदा है, जिससे कि इसका धुआं हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में हैंड फ्लेयर, रॉकेट पैराशूट फ्लेयर और स्मोक फ्लेयर,
इन तीनों के बारे में जाना। ये तीनों चीजें हमारी लाइफ बोट और लाइफ राफ्ट के अंदर होती हैं, और इसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि इन चीजों का इस्तेमाल करके आप डिस्ट्रेस के टाइम पे अपनी और अपने साथियों की जान बचा सकते हैं, अपना मैसेज सामने वाली टीम तक पहुंचा सकते हैं, डे टाइम हो या नाइट टाइम, ये पायरोटेक्निक्स आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सही जानकारी पहुंचा पा रहा हूं, और अगर आपको किसी और प्रकार की जानकारी की जरूरत है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।